दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणियों को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी हैं जिनका रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और तो और, इनमें से कुछ रहस्यमयी, विचित्र और डरावने प्राणियों को देखने का अब भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये कौन से डरावने और विचित्र जीव हैं। नंबर एक, यति। यति के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी हैं, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफी बड़े होते हैं। यति लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों तक लगे रहे। बहुत से लोगों ने पहाड़ियों में यति को देखने का दावा भी किया और उनका मानना था कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजातियों जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो इंसानों से काफी बड़े आकार के हैं। ये निशान यति के होने का इशारा देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि यति असल में है, इसलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर ही रह गए हैं। नंबर दो, बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी यति की ही तरह मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं। बिगफुट और यति में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यति हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हिममानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है। वहां के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिले हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि ये कभी दिखाई नहीं देते, बस केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमय जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नंबर तीन, छुपा काबरा। छुपा काबरा शब्द स्पेनिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, छुपर जिसका मतलब होता है चूसना और काबरा जिसका मतलब होता है बकरियां, यानी कि छुपा काबरा का मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला जानवर। छुपा काबरा की पहली घटना 1995 में पोर्टो रिको में सामने आई थी, जहां बहुत से भेड़ बकरियां मरे हुए पाए गए थे और सबको खून चूस के मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी थीं। कुछ लोगों ने छुपा काबरा को देखने का दावा भी किया था। उनका कहना था कि ये कुत्ते जैसे दिखने वाला जानवर है जिसके शरीर पर बाल नहीं होते। तो किसी ने यह कहा कि ये डरावने होते हैं और कंगारू की तरह दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इन सब घटनाओं से इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत से लोग इसके अस्तित्व को सच मानने लगे, लेकिन इस काल्पनिक जीव के होने का कोई भी पक्का प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। नंबर चार, लोचनेस मॉन्स्टर। लोचनेस मॉन्स्टर की इकलौती तस्वीर 1934 में स्कॉटलैंड की लोचनेस झील में खींची गई थी, इसी वजह से इसका नाम लोचनेस मॉन्स्टर रखा गया। बहुत सी कथाओं में भी इसका जिक्र हो चुका है। कोई इसे समुद्र में छिपकर रहने वाला दानव बताता है, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोरों की प्रजाति का जानवर बताते हैं। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी समय समय पर इस जीव को देखने का दावा किया है, लेकिन इसके असली होने का अभी तक कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। नंबर पांच, वैम्पायर। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं, बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय में अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। आपको बता दें कि वैम्पायर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक फैंटेसी कैरेक्टर ही है। बहुत सी फिल्मों में वैम्पायर के कैरेक्टर को दिखाया गया है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थीं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर ही रह गए हैं। नंबर छह, यूनिकॉर्न।
यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े की तरह दिखता है, जिसके शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों की पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, इसलिए इसे एक पवित्र जीव माना जाता है। माना जाता है कि यह जीव पुराने समय में घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहते हैं कि इसके सींग के छूने मात्र से ही किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती थी और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता था। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देशों में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। नंबर 7, मरमेड। मरमेड यानी जलपरियां ऐसे समुद्री जीव होते हैं जिनका ऊपरी शरीर इंसानों जैसा और नीचे का शरीर मछलियों जैसा होता है। इसके अलावा इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों की पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना गाना बहुत पसंद है, इसलिए एक समय ये समुद्र में गाते हुए दिखाई देती थी। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत सी कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ जलपरियां अच्छी होती थीं तो कुछ बुरी भी होती थीं। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक इसके पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि जलपरियों पर बहुत से कार्टून्स और फिल्में बन चुकी हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी रही हैं। नंबर 8, वेयरवॉल्फ। माना जाता है कि वेयरवॉल्फ ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िए में बदल जाते हैं। बहुत से देश हैं जहां वेयरवॉल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवॉल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवॉल्फ काट ले या नाखून से उस पर वार कर दे। कई देशों में तो ये माना जाता है कि वेयरवॉल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वो वेयरवॉल्फ है तो इसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 9, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों की लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और चार पैर भी होते हैं, और ये जीव मुंह से आग भी छोड़ता है। कुछ देशों की लोक कथाओं में इसे बिना पंख का बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है, और कहीं कहीं तो इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत सी लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो चुके जीव हैं। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये जीव आज भी रहस्यमय और काल्पनिक बने हुए हैं। नंबर 10, फीनिक्स। फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरे रंग और सोने की चमक वाला बहुत ही सुंदर पक्षी है, और इसकी पूंछ हरी नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह बहुत ही खूबसूरत टहनियों का घोंसला बनाता है, और बाद में इस घोंसले में खुद के समेत वह आग लगा देता है। इसके बाद इसकी राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है। इसी प्रकार हर फीनिक्स के जीवन में यह क्रम चलता रहता है। फीनिक्स पक्षी के जीवन और मरण के इसी चक्र के कारण इन्हें अमर पक्षी बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।